रॉबिन हुड पांडे सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग आज भी फैंस के बीच काफी लोकप्रिय है। स्वैगर से भरपूर डांस मूव्स, सीटी मार डायलॉग्स और अनोखे अंदाज में किए गए एक्शन ने चुलबुल को फैंस के बीच चर्चित कर दिया। अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज हुए आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि इसी फिल्म के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। फिल्म में सोनाक्षी के किरदार रज्जो को काफी पसंद किया गया था, खासकर उनके डायलॉग्स। सलमान को पुलिस की वर्दी में देखने से लेकर दमदार एक्शन करते हुए देखना उनके प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट की तरह था। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने रज्जो की भूमिका में और अरबाज खान ने मक्खी के रूप में इस फिल्म को आर्थिक आकर्षक बना दिया है। फिल्म में बतौर विलन सोनू सूद नजर आए थे। इस खास मौके पर फिल्म के निर्माता अरबाज खान ने फिल्म को प्रशंसकों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए लिखा, फिल्म को इतना प्यार और सराहना देने के लिए दिल से धन्यवाद। इस फिल्म ने चुलबुल पांडे जैसे किरदार को जन्म दिया है। इस फिल्म को बनाने के दौरान हमने बेहद खूबसूरत पल साथ गुजारे। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए फिर से धन्यवाद। दबंग ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 139 करोड़ का धमाकेदार बिजनेस किया था। यह साल 2010 की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म रही थी। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।